वेलकम बैक स्टूडेंट्स, ई लर्निंग क्लासेस प्रोवाइडेड बाय सेंट माइकल्स एकेडमी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द सिंबल्स। इन प्रीवियस क्लास आई हैड गिवन इंट्रोडक्शन अबाउट दैट। द जॉन डाल्टन वाज द फर्स्ट मैन हु गेव सम सिंबल्स लाइक कार्बन एंड फॉस्फोरस, ऑक्सीजन लाइक इन सिंबल्स। बट आफ्टर दैट सम ड्यू टू इनकन्वीनियंस, असुविधा की वजह से जे जे वर्जिलियस फ्रॉम स्वीडन हु प्रपोज द फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश नेम, द फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश नेम ऑफ एलिमेंट इज यूज एज द सिंबल लाइक फॉस्फोरस। ऑक्सीजन, कार्बन, सी। लुक केयरफुली, द फर्स्ट लेटर दैट इज पी ओ सी इज यूज्ड फॉर सिंबल। बट इफ we'll take chlorine, then what we will see that first letter is C, then we have to take another letter that is L, and the second letter should be small letter. In writing symbols, first letter should be capital letter and second letter should be in small letter. कभी भी आप symbol लिखते हैं किसी भी केमिकल का, एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, तो फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लेटर होगा एंड सेकेंड लेटर जो है स्मॉल लेटर होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो दिस थ्योरी वॉज गिवन बाई जे जे बर्जिलियस फ्रॉम स्वीडन। नाउ देयर वॉज सम इनकन्वीनियंस ड्यू टू वॉट वी विल सी, like in phosphorus and potassium, दोनों element जो है किससे शुरू हो रहे हैं, P से। then what we will do, some elements are named after Latin symbol like potassium is used, symbol of potassium is K, which is kalium. Symbol of sodium is Na, that is natrium. So some name of elements are given after the Latin name. In your textbook, watch carefully. There are some elements given with their Latin names like sodium, natrium, potassium, kalium, iron. Iron, that is ferrum. So, आप देख सकते हैं कि सिंबल का नेम कैसे हमने दिया हुआ था। बट नाउ अडेज आफ्टर जे जे बर्जिलियस, नाउ अडेज द केमिकल द सिंबल सिंबलिक नेम या सिंबल इज गिवन बाय IUPAC, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन of pure, P for pure and applied chemistry. जैसे जैसे आपका periodic table में elements की discovery होती है तो उनका जो है symbol कौन decide करता है, International Union of Pure and Applied Chemistry. तो हम लोगों ने देखा कि सिंबल्स कैसे दिए जाते हैं एलिमेंट्स के,
now what we will see the molecule. What are molecules? Molecules are electrically neutral group of atoms, chemically combined together. मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों कहा मैंने? क्योंकि ये जो दो एटम्स के बीच में आयंस होते हैं उनसे बॉन्डिंग बना लेते हैं. लाइक हाइड्रोजन इज एन एटम, बट व्हेन इट रिएक्ट्स विथ अनदर हाइड्रोजन इट गिव्स H2 मॉलिक्यूल, दैट इज हाइड्रोजन गैस. ये जो बॉन्डिंग है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्डिंग. कोवैलेंट बॉन्डिंग, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड. सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर, ये केमिकली बॉन्डेड होते हैं, इनको आप अटैच नहीं करते हैं. सो दीज आर मॉलिक्यूल्स, दीज आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, you can say smallest unit of compounds. compounds के smallest unit को भी आप कह सकते हैं. जैसे H2O क्या है आपका? compound है. इसमें oxygen जो है और hydrogen, ये जो है molecule है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन, ये केमिकली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन केमिकली बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल्स जो है क्या होते हैं? बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं. अब आप देखेंगे कई सारे तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं. कभी आपने देखा है कि P4, S8, O2, या आप देखिए H. आप इसको क्या कह सकते हैं? टेट्रा एटॉमिक. ये है टेट्रा मतलब 4, ये है मोनो एटॉमिक, ये है पॉली एटॉमिक, ये है डायटॉमिक. ओजोन ट्राइटॉमिक. इस मॉलिक्यूल को बनने में कितने एटम्स यूज हुए हैं? जैसे ओजोन मॉलिक्यूल को बनने में ऑक्सीजन के 3 एटम्स यूज हुए हैं, फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल बनने में 4 एटम्स यूज हुए हैं, सल्फर का एक मॉलिक्यूल बनने में 8 एटम्स यूज हुए हैं. तो ये इनकी एटोमिसिटी कहलाती है. तो व्हाट इज बेसिकली, ये आप देखिए ध्यान से कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट number of atoms present in any given molecule or compound is called its atomicity. atomicity. जैसे H2O, इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी?
H is 2 and 1 is oxygen is 1, 2 plus 1, 3. HCl की एटोमिसिटी कितनी होगी? H1Cl1 that is 2. Okay, is it clear? So number of atoms present in any compound or any molecule is called number of atomicity. Like take an example of H2SO4. Now what is the atomicity of this compound? Let's calculate. H2 sulfur is 1 and oxygen is 4. Number of atomicity of H2SO4 is 7. क्लियर है अब बच्चों नंबर ऑफ एटोमिसिटी. अब ये जो सिंबल्स मॉलिक्यूल्स एटम्स मैं बता रही हूँ इसके बेसिस पे आप केमिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ेंगे. नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आयंस. आयंस आयंस आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मतलब क्या हुआ? नाउ यू हैव टू रिमेंबर द एटॉमिक नंबर ऑफ सम एलिमेंट्स. यू रिमेंबर 1 to 20. आपको 1 to 20 पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स दिए हैं उनका एटॉमिक नंबर याद करना होगा. लाइक आई एम गिविंग सम एग्जाम्पल लाइक सोडियम. एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11. नाउ इन नोबल गैसेस कॉन्फिगरेशन इन वेरी फर्स्ट लेसन आई हैव टॉट यू दैट नोबल गैसेस आर हाईली अनरिएक्टिव. व्हाई हाईली अनरिएक्टिव? बिकॉज दे फॉलो ऑक्टेट रूल. इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड ऑलरेडी सो दे आर हाईली अनरिएक्टिव. दे डोंट नीड टू बी स्टेबल. सो टू गेट द स्टेबल कंडीशन मेटल्स नॉन मेटल्स और एनी एलिमेंट गिव्स इलेक्ट्रॉन्स और टेक्स इलेक्ट्रॉन्स टू गेट देयर स्टेबल कंडीशन. लाइक इन सोडियम वी विल सी वॉट 2, 8, 1. टू गेट द स्टेबल कंडीशन ऑफ सोडियम वॉट इट विल डू? इट विल gives one electron away to form itself sodium plus ion. Sodium plus ion is called cation. Cation. Sodium plus ion is also called cation. What is cation? Positively charged ion. Positively charged ions are called cation and negatively charged ions are called anions like chlorine. Chlorine. What we will see? Chlorine. Atomic number of chlorine is 17. 2, 8, 7. What will this element do? This will take one electron from sodium atom, which it will lose. Chlorine will take that one electron to get the stable condition. When any element takes any electron, it becomes negatively charged. That's why chloride becomes negatively charged. In next class, I will be present with some more topics. Till then, take care.